नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आपका मेरे YouTube चैनल क्रेज़ी फॉर डॉग्स में। दोस्तों, जैसा कि आप इस थंबनेल में देख पा रहे हैं कि आज की जो वीडियो है वो किस टॉपिक पे होने वाली है। दोस्तों, मेरे बहुत से सब्सक्राइबर और दोस्तों ने ये रिक्वेस्ट किया था कि हमें जर्मन शेफर्ड के जो शोज़ होते हैं उसमें जो टाइटल लगते हैं वो उनके बारे में पूरी जानकारी दीजिए, भाई कौन सा टाइटल किस एज में लगता है, कौन सा टैग क्या कहलाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप करके मत देखना। दोस्तों, आज मैं आपको जर्मन शेफर्ड की जो शो की जो क्लासेस है जो किस एज में लगती है, किस एज में कौन सा डॉग कम्पीट करता है, तो इसकी जानकारी पूरी मिलेगी दोस्तों। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं, उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो दोस्तों, जिसमें सबसे पहली जो क्लास आती है वो है वीपी क्लास। वीपी क्लास के बारे में आपको दोस्तों बता दूं, इसकी जो वीपी क्लास में एज होती है वो 6 to 12 month यानी कि 6 से 12 महीने का पपी इसमें पार्टिसिपेट करता है। और ये जो रिंग होती है दोस्तों, लॉन्ग हेयर और स्मूथ हेयर दोनों तरह के जर्मन शेफर्ड के लिए हैं। अगली जो दोस्तों क्लास है वो है एसजी क्लास। एसजी क्लास के अंदर दोस्तों जो इसकी एज रहती है वो है 12 से लेके 18 महीने के बीच में। इसके अंदर भी दोस्तों जो सेमी एडल्ट डॉग्स होते हैं, जो यूथ डॉग्स जिसको बोल सकते हैं, उनकी कंपटीशन होता है, पर जो पार्टिसिपेट करता है। इसकी रिंग भी से दोस्तों लॉन्ग हेयर और स्मूथ हेयर दोनों की रिंग एक जैसी लगती है, बट अलग अलग रिंग होती है इन दोनों की, और पर टाइटल जो होते हैं वो एक जैसे ही लगते हैं। इसके अंदर भी दोस्तों आप ये मानिए कि SG1, SG2, SG3 जो जिस मतलब कैटेगरी का डॉग्स होता जाता है वैसे वैसे उसको टाइटल मिलते जाते हैं। दोस्तों, आखिरी जो क्लास है वो है वी क्लास। वी क्लास यानी कि दोस्तों जिसकी इसमें एज होती है 18 महीने से ऊपर की, और इसके बाद अडल्ट क्लास तक दोस्तों चलता जाता है। इसके बाद जो डॉग इंडियन चैम्पियन बनता है और V1 बनता है, V2 बनता है दोस्तों, ये अडल्ट क्लास चलती है। एक डॉग मैनी टाइम्स यानी कि बहुत बार V1 बन सकता है। और दोस्तों, आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, ये जो क्लासेस है तीनों VP1, जो SG क्लास और V क्लास, इसमें अलग अलग पार्टिसिपेट करता है जर्मन शेफर्ड, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो डिफरेंट मैनी टाइम दोस्तों VP क्लास लग सकता है, SG क्लास भी लग सकता है और V1 भी बन सकता है दोस्तों, V1, V2, V3। तो दोस्तों, ऐसे जर्मन शेफर्ड के बारे में अच्छी अच्छी जानकारी लेके हम एक वीडियो और लेकर आएंगे आपके लिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात दोस्तों, हमारे चैनल को विजिट ज़रूर कीजिएगा, आप उसमें जाके देखिए दोस्तों, बहुत अच्छे अच्छे डॉग्स की इन्फॉर्मेशन वीडियो है, अच्छे अच्छे डॉग्स के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।